टाइप फोर पर आते हैं भाई इसके। टाइप फोर में आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्ट ऑफ आपके टाइप फोर के क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं भाई, ठीक है। इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग में बनेंगे, ठीक है। और किस तरीके से बनता है थोड़ा सा एक बार बेसिक से क्वेश्चन ले लेते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई एक दूध वाला है, उसके पास दो ड्रम है, एक 75 लीटर का है एक 45 लीटर का है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एक ड्रम बताओ, एक ऐसा बड़े से बड़ा ड्रम जो इन दोनों को पूरी तरह नाप दे, ठीक है। जरूरी नहीं कि लिखा भी हो बड़े से बड़ा ड्रम, बोल देगा एक ड्रम जो इनको पूरी संख्या में नाप दे, ठीक है, जो इनको नापने की बात कर रहा हूँ, ठीक। अब एक बात बताओ, हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा, मैंने बताया था कि इन संख्याओं से डिवाइड करने की बात करें मतलब एलसीएम, इन संख्याओं को डिवाइड करने की बात करें मतलब एचसीएफ। तो यहाँ इनको नापने की बात कर रहा है मतलब इनको डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो मतलब आपसे किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो आप एचसीएफ निकालोगे 75 और 45 का, तो एचसीएफ आएगा आपका 15, ठीक है। तो जब मैं 15 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आया 5, 15 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आया 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 15 इंटू 5 और ये 15 इंटू 3 है ना। एचसीएफ आपका कितना आ गया, 15 आ गया। तो वो बड़े से बड़ा ड्रम या वो ड्रम जो इन संख्याओं को इन दोनों को पूरी तरह नाप देगा वो कितने लीटर का होगा, 15 लीटर का होगा। एक तो क्वेश्चन आपसे ये बन गया कि आपसे ड्रम की कैपेसिटी पूछ लेगा, ठीक है, ड्रम की कैपेसिटी कितनी है। तो ड्रम की कैपेसिटी कितनी है, 15 लीटर की है, जो इन दोनों को नाप सकता है, ठीक है। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस ड्रम, वो जो ड्रम है, ठीक है, जो इनको पूरी तरह नाप रहा है, वो इसको कुल कितनी बार में नाप देगा दोनों को मिला करके। तो भाई 5 बार, तो 5 फेरे तो उसके यहाँ पर लगेंगे, 3 फेरे यहाँ पर लगेंगे, तो कितनी बार में नाप देगा, 8 बार में नाप देगा, ठीक है, समझ आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे देखना, यहां बोल रहा है, एक मिनट बस, देखना इसमें दो टंकियों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है, बड़े से बड़े किस नाप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को द्रव को पूरी संख्या में नाप दे, ठीक है। मतलब दोनों को नापने की बात कर रहा है, इनको नापने की बात कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है, समझो जरा, ठीक है। इनको नापने की बात कर रहा है मतलब किसकी नाप बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो आप एचसीएफ निकाल दोगे, है ना, ठीक है। 120 और 56 लीटर है, तो इनको नापने की बात कर रहा है, एचसीएफ निकाल देना भाई, आपका एचसीएफ आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ आएगा कितना, 8 लीटर। तो 8 लीटर को आप 8000 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। इस पर आ जाओ भाई, ये 8 लीटर वाला इसको भी नाप रहा है, इसको भी नाप रहा है, तो इसलिए आप इसको 8000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। 62 देखना, तीन ड्रम इतने 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 लीटर के हैं, वे बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के डब्बे को पूर्ण संख्या में नाप दे, मतलब इनको नापने की बात कर रहा है, फिर किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। पहचानना है बस आपने क्वेश्चन में एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है, आएंगे लेकिन ये क्वेश्चन उसमें मैथ्स में नहीं, रीजनिंग में पूछ लेगा इनको। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के इतने लीटर और मोबिल ऑयल के इतने लीटर के एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डब्बे को इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डब्बा पूरा भर जाए, ऐसे कम से कम कितने डब्बों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखो भाई, एक तरीके से वो इनसे भरने की बात कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को पेट्रोल के इतने इतने और मोबिल ऑयल के इतने को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना, इनको मिलाना नहीं है एक जगह, और पूर्णतः समान माप के डब्बों में इस प्रकार भरना है, मतलब इनको डिवाइड करना है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो डिवाइड करने की बात कर रहा है मतलब किसकी बात कर रहा है, एच सी एफ की बात कर रहा है, ठीक है। एच सी एफ आप निकालोगे, फिर उस एच सी एफ से इसको नापने में कितना लगेगा, इसको नापने में कितना लगेगा, इसको नापने में कितना लगेगा, कितने फेरे लगेंगे, अभी मैंने क्वेश्चन समझाया ना, तो उनका टोटल पूछ रहा है वो आपसे यहाँ पर। जैसे चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, आपसे पूछ रहा है वो यहाँ पर कि बताओ भाई इनका एच सी एफ बताओ। तो भाई 403 से मैं डिवाइड कर दूं 465 को, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना भाई, 1 टाइम में 403, यहाँ बचेगा 62, 62 से 403 को करता हूँ कितना,
छः बार, छः दुनी 12 और छः छिंग 36, ठीक है। तो 372 आ गया, यहाँ से कितना बना 31, और 31 से 62 को करता हूँ तो 2 टाइम में पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका एच सी एफ कितना आ गया, आपका एच सी एफ आया 31। यानी वो जो इनको जो आप नापोगे ना, इनको जो आप भरोगे अलग अलग डब्बों में, वो 31 31 लीटर के होंगे डब्बे। तो इससे कितने भरे जाएंगे, 31 से आप इसको डिवाइड कर दो उतने डब्बे यहाँ पर भरे जाएंगे, ठीक है। 403 को जब आप 31 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार, 403 को आप 31 से डिवाइड करोगे, 31 एकम 31, 9 3 31 दिया, यानी 13 डब्बे तो यहाँ पर, 13 डब्बे तो यहाँ से रहेंगे। फिर 465 से कितने रहेंगे, 465 को करोगे तो कितना जाएगा, 15 बार, ठीक है। तो 15 आपके यहाँ से हो गए, तो 13 प्लस में 15, और फिर यहाँ पे 496 तक कितने हो जाएंगे, 16 यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस में 16, ठीक है। 6 5 11 और 3 14 का 4 एक हासिल, यानी 44 डब्बों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 31 31 लीटर के होंगे, ठीक है। 31 31 लीटर के आपको 44 डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जा करके आप आंसर लगा पाओगे मेरा, ठीक है। निकालना एच सी एफ ही है, लेकिन एच सी एफ के बाद फिर उससे आपको डिवाइड भी करके देखना है कि कितने फेरे लग रहे हैं, यहाँ पर 13, यहाँ पर 15, यहाँ पर 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है 78 सेंटीमीटर, चलो 64 छोड़ो अभी, पहले 65 देखो। 65 में बोल रहा है 105 बकरी, 140 गधे और 175 गाय को एक नदी के पार लेकर के जाना है, ठीक है। अलग अलग तरह के जानवर हो गए, ठीक है, और एक ही नाव है, तो उस नाव के कितने फेरे लगेंगे यदि वो एक बार में एक ही तरह के जानवर लेकर के जाए और हर बार संख्या बराबर हो, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही तरह के जानवर लेकर जाने और हर बार संख्या बराबर हो, मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट करके लेकर जाएगा, और इनको डिस्ट्रीब्यूट हम कब करते हैं, एच सी एफ में। तो आप पहले इसका निकालोगे 105 140 और 75 का एच सी एफ, तो एच सी एफ आया भाई 35, यानी एक बार में आप 35 जानवर लेके जाओगे एक ही तरह के। तो 105 बकरी ले जाने में आपके कितने चक्कर लगेंगे, 3 चक्कर। 140 गधे ले जाने में आपके चक्कर कितने लगेंगे, 4। और 175 गाय ले जाने में आपके कितने चक्कर लगेंगे, 5। तो 5 4 9 और 3 12 चक्कर आपके टोटल लगे इन सबको पार पहुंचाने में, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पर चक्कर नहीं पूछ रहा आपसे, ये पूछ रहा है कि एक बार में कितने जानवर लेके जाएगा, तो 35 जानवर लेके जा रहा है एक बार में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ रहे था कि भी कितने चक्कर लगेंगे, तो 12 चक्कर लगेंगे इसको ले जाने में, ठीक है जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पर, देखो जरा, ये बोल रहा है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई के बराबर छड़े काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। मतलब एक तो 78 वाली है, एक 104 है, एक 117 है और एक 169 है, इनमें से काटनी है मुझे, इनको काटने की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, एच सी एफ की बात कर रहा है। तो जब मैं एच सी एफ निकालता हूँ तो इसका एच सी एफ कितना आएगा, 13 आ गया, ठीक है। यानी इनमें से 13 13 सेंटीमीटर की, 13 13 सेंटीमीटर की छड़े कट सकती हैं। तो इसमें से कितनी कटेंगी, 6, इसमें से कितनी कटेंगी, 8, इसमें से कितनी कटेंगी, 9, और इसमें से कितनी कटेंगी, 13, ठीक है। तो 8 6 14 9 23 प्लस 13 कितना हो गया, 36 छड़े कट जाएंगे भाई यहाँ से, ठीक है, सेम लेंथ की, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 66 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और पेपर में एज इट इज रिपीट हो जाता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा आपकी, ठीक है। तो जब भी आपसे टाइलें लगाने की बात करें ना कमरे में, तो ये देख लेना 814 ऑप्शन में है क्या, ठीक है। आपको वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं है, पहले ये देख लो 814 ऑप्शन में है क्या, अगर 814 ऑप्शन में है तो डायरेक्ट आंसर लगा दो इसी को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करना कैसे है वो समझाता हूँ आपको। बोल रहे एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दी है कितनी, मैं इसको 1517 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 मीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1500 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और 1517 सेंटीमीटर लिख दिया। इसकी ब्रेथ दी है कितनी, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 902 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है। एक कमरे का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, ये एक कमरा है,
रहा, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये एक कमरा है, इसका जो एरिया होता है वो एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है। अब अगर मैं इसमें टाइलें बिछाऊंगा ऐसे, यहाँ पर मैं टाइलें बिछा रहा हूँ इसमें, चाहे वो मैं किसी भी शेप की बिछा रहा हूँ, चाहे वो स्क्वायर शेप की हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप की हैं, चाहे वो ट्राइंगुलर शेप की हैं, कैसी भी शेप की हैं, तो इस कमरे के फर्श पर ही तो बिछा रहा हूँ ना टाइलें, तो इस कमरे के फर्श का जो एरिया होगा वो तो इसके एरिया के बराबर ही रहेगा ना, ठीक है। तो एल इंटू बी जो होगा वो इस पर मैं एक्स तरह की एक्स टाइलें बिछा रहा हूँ, काउंटिंग में कितनी है एक्स टाइलें हैं, और कौन सी बिछा रहा हूँ ए इंटू ए की, क्योंकि जो स्क्वायर होता है स्क्वायर शेप के टाइल बिछा रहा हूँ, और स्क्वायर का लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, तो ए ए इंटू ए वाली मैं एक्स टाइलें बिछा रहा हूँ किस पर, एल इंटू बी पर, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया है और ये स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर शेप की टाइलें बिछा रहा हूँ मैं, कितनी टाइलें बिछाएंगी एक्स टाइलें बिछाएंगी, और कहाँ बिछा रहा हूँ रेक्टेंगल पर, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया आपस में बराबर है, तो इसी के फर्श पर बिछा रहा हूँ। ये एल इंटू बी तो मुझे गिवन है ना, ये रहा 1517 और 902, तो मैं लिख सकता हूँ 1517 इंटू में 902, ये तो ऑलरेडी मुझे गिवन है, इंटू में एक्स इंटू में ये जो टाइलें बिछेंगी वो टाइलें कौन सी हैं, क्या यहाँ टाइलों की लेंथ दी है बताओ, एक छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, बस ये बोल दिया, कितनी स्क्वायर शेप टाइलें लगेंगी ये बोल दिया बस, लेकिन टाइल की लेंथ वगैरह कुछ दी है, नहीं दी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका एच सी एफ निकालते हैं भाई, लेंथ और ब्रेथ का। ये एच सी एफ आएगा आपका 41 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एच सी एफ निकल के आएगा, ये जो स्क्वायर शेप टाइल है ना, इस ए की वैल्यू निकल के आएगी 41, जो स्क्वायर शेप टाइल लग रही है उसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकल के आएगी 41। तो मैं ये रख सकता हूँ 1517 गुना में 902 बराबर में एक्स इंटू में 41 गुना में 41। अब आप इस सारे को काट दोगे तो ये आ जाए आपका 814 इक्वल्स टू एक्स, यानी 814 टाइलें आपकी इसमें रूम में लग जाएंगी, ठीक है जी, समझ आया, बढ़े जी आगे। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका, देखो 67 देखना भाई, इसी में बोल रहा है, नापने के तीन छड़े 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है, इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा नापा जा सकता है, मतलब इनसे नापने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है एलसीएम की, इनको नापने की बात कर रहा है मतलब एचसीएफ, इनसे नापने की बात कर रहा है मतलब एलसीएम, ठीक है। चलो जी, तो आप क्या निकालोगे, 64, 80 और 96 का एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम आ गया भाई आपका 960, तो 960 सेंटीमीटर का वो कपड़ा है जिसको आप इससे नापोगे तो भी नप जाएगा, इससे नापोगे तो भी नप जाएगा, इससे नापोगे तो भी नप जाएगा, या उसी को आप लिख सकते हो 9 मीटर और 60 सेंटीमीटर या 9.6 मीटर, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन और है, ये रहा घंटियों वाला क्वेश्चन, अच्छा ये पत्थरों के ढेर वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा पत्थरों के ढेर में 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। देखो रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है, ठीक है, जब मैं इतने इतने के ढेर लगा रहा हूँ तो इतना 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 रिमाइंडर बच रहा है, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, मतलब इस ढेर में कितने पत्थर हैं इसकी बात कर रहा है, मतलब इनके डिविजिबल ही तो होंगे, ठीक है। जब मैं 32 32 लगा रहा हूँ तो इतने शेष बच जा रहे हैं, ठीक है, जब मैं इतने इतने लगा रहा हूँ तो इतने शेष बच जा रहे हैं, जब इतने इतने लगा रहा हूँ तो इतने शेष बच जा रहे हैं। एलसीएम या एचसीएफ, यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहा है, ये एलसीएम का वो लास्ट वाला टाइप है जो मैं आपको बोल रहा था जिसमें डिफरेंस अलग अलग बचता है, ठीक है। तो आप कैसे करते हो इस वाले क्वेश्चन को, 32 40 72, पहले आप ये डिफरेंस चेक करते हो उनका, कितना बचा 22, तो यहाँ पर भी 22 बचना चाहिए और यहाँ पर भी 22 बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हो तो कितना, 18 माइनस किया तो 22 बचा, यहाँ पे 50 माइनस किया तो 22 बचा, बच रहा है ना सेम। तो अब आप क्या करोगे, 32 40 और 72 का आप निकालोगे एलसीएम, ये एलसीएम आया 1440, उसमें से आप ये 22 माइनस कर दोगे, 1418 आपका आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है जी, बढ़े आगे।
चलो नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में बोल रहा है अमित सुचेता नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, कितने समय बाद वे फिर से मिलेंगे। ओके, वो ये बोल रहा है कि ये एक सर्कुलर वे है, तेरा एक रास्ता है सर्कुलर, इस पे मैं ए बी सी मान लेता हूँ, इनको ए बी और सी एक साथ दौड़ना शुरू कर रहे हैं, जो ए है वो 18 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है, बी कर लेता 24 सेकंड में एक चक्कर पूरा, और सी कर लेता 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा, लेकिन ये एक चक्कर लगाने के बाद ही नहीं रुक रहे, ये कंटिन्यू दौड़ते जा रहे हैं, तो बोल रहा है वो फिर से यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों एक साथ कब होंगे। भाई ये तो पहली चक्कर लगा दे रहा है ना, बी उससे थोड़ी सी देर बाद लगा रहा है, सी सबसे लेट लगा रहा है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कितनी देर बाद ये तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, ठीक है, यानी एक ऐसा समय पूछ रहा है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, तो इनसे डिविजिबल हो तो मतलब किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलसीएम निकालोगे 18, 24 और 32 का, तो आ जाएगा 288 सेंटीमीटर सेकेंड्स, ठीक है, यानी 288 सेकंड बाद ए बी और सी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। एक क्वेश्चन तो आपसे ये बन गया कि आपसे टाइम पूछ लेगा कितने समय बाद, तो आपने बता दिया कि भाई कितने समय बाद, 288 सेकंड बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें वो ये बोल सकता है कि जब ये मिले दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर, तब तक ए ने कितने चक्कर लगाए, तो भाई 288 सेकंड में ए कितने चक्कर लगाएगा, अगर एक चक्कर 18 सेकंड में लगाता है तो, ठीक है, 18 एकम 18, 18 छक्का कितने हो गए 108, तो ए ने तब तक कितने चक्कर लगाए, 16 चक्कर लगा लिया, ठीक है। अगर वो पूछता है बी ने तब तक कितने चक्कर लगाए होंगे, 24 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो तब तक कितने चक्कर लगाए, कम से कम ए से तो कम ही लगाएगा, ठीक है, तो 24 से करता हूँ तो 24 एकम 24 और 24 दुनी 48, यानी 12 चक्कर लगाए। पूछता है तब तक सी ने कितने चक्कर लगाए होंगे 32 के हिसाब से, तो 9 चक्कर लगाए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन समझो। आपसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कितने समय बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो आपने समय बता दिया कितना आ गया 288 एलसीएम निकाल करके। यही चीज़ पहचाननी है आपने कि एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है, इनसे डिवाइड की बात कर रहा है, इनको डिवाइड की बात करें तो एचसीएफ, इनसे डिवाइड की बात करें तो मतलब एलसीएम, तो 288 सेकंड बाद वो फिर से मिलेंगे, तब तक कितने कितने चक्कर लगाएंगे वो बता दिया भैया आपने, कौन कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, समझ आया, कर लोगे ना क्वेश्चन इस पर। ओके, देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 70 देखना, 70। ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं, कितने समय बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु मिल लेंगे, तो आप इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल करके आप आंसर लगा देना कितने समय बाद मिल रहे हैं, ठीक है, समझ आया, कर लोगे ना क्वेश्चन इस पर। ओके, ऐसे ही ये घंटी वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 69 आप देखो, उसने बोला तीन चौराहों पर जो बत्तियां हैं लाइट्स हैं, ठीक है, वो 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं, 8:20 पर एक साथ बदली गई, फिर एक साथ कब बदली जाएंगी, ठीक है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, मतलब बजती हैं या जलती हैं जो भी है, तो आप देखो इसका एलसीएम निकालना, एलसीएम कितना आया 48, 72 और 108 का, बताओ, भाई ये कितना बन रहा है, ये 12 गुना में 9 है, ये 12 गुना में 6 है और ये 12 गुना में 4 है, तो 12 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ से 4 आ जाएगा, अब 2 ऑलरेडी यहाँ पर शामिल हो गया तो यहाँ से 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पर शामिल हो गया, ठीक है, तो 12 निम्मा 108 गुना 4 कितना हो गया 432, ठीक है, तो 432 सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजेंगी या एक साथ जलेंगी, और 432 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ 7 मिनट 12 सेकंड, 60 सेकंड की एक मिनट होती है, तो 432 सेकंड को मैं 7 मिनट 12 सेकंड लिख सकता हूँ, भाई वो 8:20 पर एक साथ बजी थी, तो नेक्स्ट टाइम वो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेंगी एक साथ,
यानी 8:27 और 12 सेकंड पर वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, समझ आया, कर लोगे ना इस वाले क्वेश्चन को? ओके, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो कराऊंगा। ये घंटी वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा और आपको बाद में समझाऊंगा एक और, ठीक है? तो आना ज़रा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखना है इसमें। ओके, ठीक है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है 4 घंटियां हैं जो 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे एक साथ बजें तो फिर वे कब एक साथ बजेंगे? तो फिर कब एक साथ बजेंगे मतलब इनसे डिविजिबल टाइम पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है, एक तो है 30 मिनट मतलब आधा घंटा मैं लिख सकता हूँ उसको, दूसरा है 1 घंटा 1/1 लिख सकता हूँ, तीसरा है 1.5 घंटा यानी 3/2 लिख सकता हूँ, और चौथी बज रही है कब, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 3 7/4, ठीक है? ये क्या आ गया आपका, ये टाइम आ गया, ठीक, कि इतने इतने समय के बाद वो बज रही है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम लेना सिखाया था आप लोगों को, तो अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो मैं ऊपर की वैल्यूज का एलसीएम कितना आएगा 21 और नीचे का एचसीएफ कितना आएगा 1, यानी 21 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, 21 घंटे कौन से, कब से, 12 बजे के बाद 21 घंटे, ठीक है? तो 12 बजे के बाद अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो नेक्स्ट डे 12 बजे यानी उससे 3 घंटे पहले की बात हो रही है, तो नेक्स्ट डे 9 बजे ये फिर से एक साथ बजेंगे 21 घंटे बाद। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ना इसको यहाँ मिनट देख करके सारे को मिनट में चेंज करने की कोशिश कर देते हैं, मिनट से भी आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बेटर क्या है कि आप मिनट को घंटे में चेंज करके फ्रैक्शन में वैल्यू बना के एलसीएम निकाल दो। ठीक है, एक इसी में देखना क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये बोल रहा है 4 घंटियाँ 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। चार घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी? 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालो, आपको पता चल जाएगा कितने समय बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ इसी में क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गया, ये रहा 19 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रखा है काफ़ी बार। ठीक है, अभी हमने सर्कुलर वे वाला पढ़ा था कि सर्कल बना दिया एक, उस पर दौड़ रहे थे, है ना, तीन दोस्त दौड़ रहे थे ना एक सर्कल पर, तो वही यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ कि यहाँ पर तीन दोस्त हैं जो कि दौड़ रहे हैं ए बी और सी। ठीक है, ए की जो स्पीड है, ए की स्पीड है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और सी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसका जो ट्रैक की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 किलोमीटर। आपसे पूछ रहा है बताइए कितने समय बाद वे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, आपसे क्या पूछा गया, टाइम, आपको गिवन क्या है, स्पीड और डिस्टेंस। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है। तो मैं इसको रखूँ कहाँ, तो डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर की, 5/2 मेरी स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर की, 3 मेरी स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर की, 2 मेरी स्पीड, इस 5 से 5 कट गया, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 2, 5/3 और 5/2। ठीक है, ये क्या आया, ये टाइम आ गया कि किसको कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में। अभी तक ये आपको गिवन था, अभी तक आपको टाइम गिवन था। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन इजी पड़ रहा था आपको, बस एलसीएम लेना था। अब आपको पहले टाइम भी निकालना पड़ रहा है कि किसको कितना टाइम लग रहा है, अब आप इसके बाद एलसीएम निकालोगे। तो जब मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो ऊपर का एलसीएम निकालूंगा तो 5, 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, और नीचे का एचसीएफ निकालूंगा 1, 3 और 2 का एचसीएफ आएगा 1। तो इसका मतलब 10 घंटे बाद ये तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे, ठीक है, समझ आया भाई। चलो आगे बढ़े, आगे आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर देखना भाई 20 क्या कह रहा है, 20 में आप लोगों को करा चुका हूँ, ठीक है जी, 20 हो चुका। एक क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी देखना इसको। बोल रहे तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब को प्राइम्स है, ठीक है, को प्राइम नंबर सिखाए थे ना, को प्राइम क्या होते हैं। अच्छा ये लाइन ना भी लिखी होती तो भी कैसे करते हैं इसको, पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट इनटू में सेकंड बराबर कितना दिया है उसने, 551 दे रखा है। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल यानी सेकंड इनटू में 3 बराबर कितना दिया है, 1073 दिया। आपसे बोल रहे तीनों संख्याओं का टोटल बताओ यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 3 बताओ, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब या तो आप इनके फैक्टर करने लगो तब वो कर पाओगे, ठीक है, या अगर आप ध्यान दो तो इसमें देखना सेकंड नंबर इसमें भी आ रखा है और सेकंड नंबर इसमें भी आ रखा है, दोनों में आ रखा है ना सेकंड, ठीक है। और ऑलवेज कॉमन क्या चीज़ होती है, एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा कॉमन होता है। तो आप 551 और 1073 का एचसीएफ निकाल लो, तो 551 और 1073 का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यहाँ से 2, 7 में से 5 गया 2 और ये 522 और यहाँ 551, 1 टाइम में 522, 11 में से 2 गए 9, ठीक है, 11 में से 2 गए 9, यहाँ कितना बचा, 4 में से 2 गए 2, 29 बचा। 29 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो आगे तो फिर इसका मतलब इससे डिवाइड हो रहा होगा, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर मैं करता हूँ तो इसके फैक्टर आएंगे, एक तो 29 आ रहा है, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा देखो, यूनिट डिजिट पर क्या है 1, ठीक है, यूनिट डिजिट पर 1 तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर भी एक 9 रहा होगा, 9 × 9 करोगे तभी तो 81 आएगा, ठीक है। अब ये 9 से आगे क्या डिजिट रही होगी, 9 से आगे डिजिट कम से कम 2 से कम रही होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर डिजिट में मान लो ये 30 मान लो और इसको आप 30 मान लोगे तो 30 × 30 तो कितना हो जाएगा 900, ठीक है। अगर आप इसको 20 मानोगे 30 × 20 कितना बनेगा 600, और 600 से कम बन रही है वैल्यू, तो इसका मतलब ये 20 से कम है और ये कितना 30 से कम है ना। तो इस तरीके से एज्यूम करके भी कर सकते हो, इसका मतलब पहली संख्या तो है आपकी 19, दूसरी संख्या है आपकी 29, अगर दूसरी संख्या आपकी 29 है तो तीसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, कम से कम 30 से तो ज़्यादा होगी, क्योंकि 30 × 30 900 बनेगा और ये 1000 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यूनिट डिजिट पर क्या रखा है, 3 आ रखा है, और यूनिट डिजिट पर 3 तभी आएगा जब यहाँ पर 7 होगा, 7 × 9 = 63 तभी तो बनेगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट कर रही है, 37 को। तो आपकी तीनों वैल्यूज आ गई, ये है 19, ये है 29 और ये है 37, ठीक है, आप इनका टोटल करके आप आंसर बता सकते हो, आई थिंक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब इस पे एक क्वेश्चन नंबर 69 और 71 भी था इसमें जो मुझे बताना है। नेक्स्ट आओ, 69, 71, 70 है, 83 है, एक 38 में क्या बोल रहा था, 38 नहीं है, नेक्स्ट आ जाओ, 69, 71 है ना, लो जी 69 देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। 69 बोल रहा है तीन अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें 24, 36, 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं, यदि वे एक साथ 10, 15 पर बदली हो तो अगली बार कब बदलेंगे। अभी मैंने 8, 27 वाला क्वेश्चन कराया था ना, उसी तरीके से आप पहले इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, और उस टाइम को फिर इसमें ऐड ऑन कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा इसमें, ठीक है। 71 देखना क्या बोल रहा है, एक किसान के पास नहीं, ये वाला नहीं है, किसान वाला नहीं है। 71 बोल रहा है तीन घंटियां 11 एम के को एक साथ बजती हैं
20, 30 और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, अगली बार कब बजेंगी? वही टाइम वाला 8:27 वाला ही क्वेश्चन है, जैसे ये 69 है वैसे ही 71 है, ठीक है जी। घंटी वाले क्वेश्चन हो गए ये वाले। क्वेश्चन नंबर 70 देखना क्या कह रहा है। चार धावक किसी प्रताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं, एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200, 300, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड लेते हैं, कितने समय बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? अभी कराया क्वेश्चन, उसी तरीके से कर लोगे आप इसको भी। चलो जी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83, देखना भाई क्या कह रहा है। ए बी और सी एक ही बिंदु से समान समय पर समान दिशा में एक वृत्ताकार बिंदु पर वही दौड़ना शुरू कर रहे हैं, कब फिर से एक साथ मिलेंगे? ठीक है, तो आप बता दोगे इसमें। 83 में रनिंग वाला ही क्वेश्चन है। एक 88 देखना क्या कह रहा है। 5 घंटे एक साथ बजती हैं और वे क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? एलसीएम निकाल करके बता दो कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से ये लगभग लगभग कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे आप लोग को थोड़ा सा कराना है। यहाँ पर आओ भाई क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। इस पे बोल रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हुई। क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, 6 बेल्स हैं, घंटियाँ हैं, एक साथ बजती शुरू हुई यदि ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हूँ, अंतराल मतलब इंटरवल, तो बताइए छः घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हुई सुबह 7 बजे, ऐसे लिख लो सुबह 7 बजे, यदि ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हों तो बताइए, पहला क्वेश्चन, फिर किस समय एक साथ बजेंगी? दूसरा क्वेश्चन, सुबह 7 से 7:40 तक कितनी बार एक साथ बजेंगी? तीसरा क्वेश्चन, सुबह 7 के बाद 7:40 तक कितनी बार एक साथ बजेंगे? चौथा क्वेश्चन, सुबह 7 तथा 7:40 के बीच कितनी बार एक साथ बजेंगे? और पांचवा क्वेश्चन, 40 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ? ठीक है जी, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। मैं सारी ही सिचुएशन यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अच्छा, उसने बोला 6 घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हुई सुबह 7 बजे से, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120 सेकंड, और 120 सेकंड को मैं 2 मिनट लिख सकता हूँ, यानी हर 2 मिनट में ये घंटियाँ एक साथ बजनी शुरू हो रही हैं, हर 2 मिनट में एक साथ बजती हैं। सुबह 7 बजे एक साथ बजी है तो 7:02 पर फिर से एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, फिर किस समय एक साथ बजेंगी? तो 7:02 पर फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने बोला सुबह 7 से 7:40 तक कितनी बार एक साथ बजेंगी, इसको भी समझो भाई। यहाँ पर समझो इसको, ये है सुबह 7 बजे हुए,
ठीक है, यहाँ तो ये बजी है एक बार। फिर आते हैं आपके ये यहाँ से 7:40 तक, ठीक है, 40 मिनट आपके। ठीक, अब देखो एक बार तो यहाँ स्टार्टिंग में बज रही है ना वो, ठीक है, और इन 40 मिनट में कितनी बार बजेगी, जब 2 मिनट में एक बार बजती है तो 20 बार यहाँ बजी और एक बार यहाँ पर बजी, तो 20 + 1 कितना, 21 बार लगाना, कभी इसको आप 20 लिख दो। उसने बोला सुबह 7 से, मतलब सुबह 7 वाले को भी काउंट कर रहा है, ठीक है, यानी इस 1 को भी काउंट कर रहा है और 20 ये वाले, यानी 20 और 1 कितना, 21 बार एक साथ बजेगी वो। ठीक, बोला सुबह 7 के बाद, 7 के बाद बोल रहा है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं कर रहा उसके बाद, तो उसके बाद कितना, 40 मिनट में हर 2-2 मिनट में बज रही है, तो यानी कितनी बार, 20 बार, तो यहाँ पर आपका 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुबह 7 तथा 7:40 के बीच, अब समझो यहाँ पर ना तो 7 वाले को इंक्लूड कर रहा और ना 7:40 वाले को इंक्लूड कर रहा है, उनके बीच की बात कर रहा है, तो बीच में तो कितने मिनट्स हैं, 39 मिनट्स हैं, 7:40 वाले को तो इंक्लूड नहीं कर रहा ना, तो 39 मिनट्स हैं, 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना, 19 दूनी 38, ठीक है, एक रिमाइंडर बचेगा, यानी 40वें मिनट जाकर के बजती, अब नहीं बजेगी, तो बीच में कितनी बार, 19 बार बज रही है, एक बार स्टार्टिंग में बजी थी, एक बार 7:40 पे बजी थी, ना तो 7:40 वाले को इंक्लूड कर रहा ना 7 वाले को इंक्लूड कर रहा, बीच वाले इंक्लूड कर रहा, यानी 19 बार आपका आंसर आ जाएगा। 40 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है, तो इसका आंसर भी वही 21 आएगा, एक बार स्टार्टिंग वाली और बीच में 20 वाली है। ठीक है, समझ आया, तो भाई ये LCM और HCF आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। अब आप लोग इस पर क्वेश्चंस कर लेना, मैं आप लोग के ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।